Hi guys, welcome to another video of Showcase AB. My name is Bhavi. Today I'm showing you the Mercedes-Benz E220D, which is AV2 variant. It's a 2017 manufactured and 18 registered. First owner, 53,900 km driven, and the car is fully insured till January 2022. अब हम बात करते हैं सबसे पहले कार के हुड के बारे में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मर्सिडीज़ बेंज का जो बोनट है, इसमें आपको लोगो भी आपको देखा, कहीं से वेयर एंड टीयर नहीं होगा, कोई भी कलर फेड नहीं होगा, कहीं से सिल्वर फिनिशिंग में कोई लैकिंग नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं हुड, कहीं से भी आपको कोई स्पॉट नहीं मिलेगा, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कलर के अंदर कोई फेड नहीं है, कहीं से मिसमैच नहीं है कलर, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। इसके बाद मैं आपको एक बार कार के इंजन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन की कंडीशन, एक बार इसमें कहीं से भी आपको जो इंजन कवर होता है कहीं से भी डैमेज नहीं है, कहीं से फेड नहीं है कलर। आप वायरिंग चेक कर सकते हैं, वायरिंग में कहीं से डैमेज नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है। अब हम बात करते हैं कार के फ्रंट लुक के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल, जितनी भी आपको इसमें क्रोम फिनिशिंग दिख रही है, कहीं से भी फेड नहीं है, एज अ मिरर लुक देती है ये सिल्वर फिनिशिंग। इसमें आपको कहीं स्क्रैच नहीं मिलेगा, कहीं से डैमेज नहीं है। अब हम बात करते हैं कार के लोअर पोर्शन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रिल है, इसमें कहीं से भी आपको डैमेज नहीं मिलेगा। प्लस में इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जो कि आपके कम्फर्ट इन ड्राइविंग आपको बेनिफिट देते हैं। अब हम बात करते हैं अलॉयज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं अलॉयज में आपको कहीं से भी वेयर एंड टीयर और डैमेज या कलर जो है कहीं से घिसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। अगर मैं उसके बाद बात करूं इसके टायर्स के बारे में, कार एक्चुअल में 53,900 km ड्रिवन है, बट कहीं से भी आपको टायर्स की कंडीशन ऐसी नहीं मिलेगी, इट्स अ ब्रांड न्यू टायर्स। अब हम बात करते हैं कार की साइड प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि देखते हैं सबसे पहले कार के फ्रंट फेंडर में, आप देख सकते हैं इधर कहीं से भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा, कहीं से स्वेल मार्क्स नहीं मिलेंगे, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कहीं से कोई पेंट वर्क नहीं है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साइड मिरर, जो एक ऐसी चीज़ है जो कार की सबसे आउटर साइड पोर्शन होती है, आप देख सकते हैं इसमें कहीं से भी आपको कोई स्क्रैच या डैमेज या एलईडी इंडिकेटर जो होता है वो डैमेज नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ्रंट डोर के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी जो एक्सटीरियर में सबसे पहले क्या आता है, डोर हैंडल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होता है। देख सकते हैं आप इसमें कहीं पर भी आपको जो क्रोम फिनिशिंग में कहीं लैकिंग नहीं है, सिल्वर फिनिशिंग में कहीं कोई स्पॉट नहीं मिलेगा, कहीं वाटर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रियर डोर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं जो रियर डोर में भी आपका डोर हैंडल है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से वाटर मार्क्स नहीं है। मैं अब बात करता हूँ रियर क्वार्टर पैनल के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है। अब हम बात करते हैं रनिंग बोर्ड के बारे में, जो कि सबसे लोअर पोर्शन होता है। अब आप जैसे देख सकते हैं इसमें जो क्रोम फिनिशिंग भी है, कहीं से इसमें कोई स्पॉट नहीं है, कहीं से वेयर नहीं है, और कहीं से इसमें वाटर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कहीं से डैमेज नहीं मिलेगा रनिंग बोर्ड में भी। आइए अब बात करते हैं कार के रियर पोर्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्सिडीज़ के लोगो के बारे में। इसमें जो क्रोम फिनिशिंग है, कहीं से भी आपको इसमें वेयर एंड टीयर और वाटर मार्क्स नहीं मिलेंगे, कहीं से आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा इसमें। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कार के गार्निश के बारे में, जो क्रोम की फिनिशिंग के साथ है। इसमें कहीं पर भी आपको कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से क्रैक नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कार के टेल लाइट्स के बारे में। देख सकते हैं कहीं से भी कोई कॉर्नरिंग में आपको डैमेज नहीं मिल रहा, कहीं से स्वेल मार्क्स नहीं मिल रहे, कहीं और जो इसकी प्रॉपर एलईडी लाइटिंग है, प्रॉपर वर्किंग है ये। अब मैं जैसे बात करता हूँ कार के लोअर पोर्शन के बारे में, आप देख सकते हैं इसमें जो रिफ्लेक्टर्स है लोअर पोर्शन में, कहीं से डैमेज नहीं है। अब इसमें रियर में आप क्रोम भी देख सकते हैं, जो लोअर पार्ट में होता है सबसे ज़्यादा डैमेज होता है पार्ट, पर इसमें वो आपको डैमेज या कहीं से स्क्रैच नहीं मिलेगा। इसमें प्लस में आपको मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्लस रिवर्स पार्किंग कैमरा। अब मैं बात करता हूँ कार के बैजिंग के बारे में, जो कि है E220D। कहीं से भी आपको इसमें क्रोम फिनिशिंग में लैकिंग नहीं है, कहीं से आपको वाटर मार्क्स नहीं मिलेंगे, कहीं से कोई क्रैक नहीं मिलेगा आपको इसमें। अब मैं बात करता हूँ अंडर द बूट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रॉपर स्पेस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इवन आपके डोनट टायर रखने के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिलती है इसमें। अब हम बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें आपको बेज विद ब्लैक इंटीरियर मिलता है, प्लस में आपको इसमें वुडन फिनिशिंग मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको जो बटन्स मिल रहे हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिल रहे हैं, कोई भी बटन की जो मार्किंग है वो घिसी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं सीट्स की जो एडजस्टमेंट है वो भी बटन्स आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे, कहीं से भी आपको घिसा हुआ कोई बटन नहीं मिलेगा। अब एक बार हम इंटीरियर की बात करने से पहले एक बार सीट्स की कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सीट्स की कंडीशन, कहीं से भी आपको जो लेदर है पील ऑफ नहीं मिलेगा, कहीं से कलर फेड नहीं मिलेगा, कहीं से वेयर एंड टीयर नहीं है। आप कंडीशन देख सकते हैं स्टिचिंग की, ऑल्सो कहीं से स्टिचिंग भी आपको ख़राब नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में। आप देख सकते हैं रियर सीट्स की जो
लेदर कंडीशन है वो बिल्कुल एज़ न्यू एज़ गुड है, कहीं से भी आपको स्टिचिंग में लैकिंग नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इसमें रियर में कंफर्ट काफ़ी मिलेगा आपको, प्लस में स्पेस काफ़ी मिलेगी। अब मैं आपको एक बार इस कार के अंदर बैठकर दिखाता हूँ कि इस कार में हेडरूम और लेगरूम की स्पेस आपको कितनी मिलती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कार की स्पेस के बारे में, आप देख सकते हैं इसमें मुझे काफ़ी लेगरूम स्पेस मिलती है, काफ़ी हेडरूम स्पेस है, प्लस में रियर में आर्मरेस्ट है जो कि आपको बहुत कम्फर्ट देता है। आप देख सकते हैं प्लस में मुझे डोर्स में एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो कि कार की लुक को काफ़ी इन्हेंस करती है एट द नाइट ड्राइविंग। जैसा कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा रियर एसी वेंट्स, जिसमें आपको डुअल एसी वेंट्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको प्लस चार्जिंग सॉकेट प्लस स्पेस भी मिलती है कुछ। अब रियर आर्मरेस्ट के बारे में बात करें, इसमें आपको स्टोरेज बॉक्स भी मिलती है। आप देख सकते हैं इसमें आप स्टोरेज रख सकते हैं, लाइक फ़ोन हो गया, आपका वॉलेट हो गया। आप जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलती है जैसे कि USB पोर्ट कहते हैं। प्लस में आपको फ्रंट में अगर थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें फ्रंट में आपको एक ट्रे मिलती है जिसमें आप कुछ भी पार्ट रख सकते हैं, लाइक अ फ़ोन आप रख सकते हैं इसमें। आप इसमें कुछ पेपर्स कार्ड्स वो भी स्टोरेज मिलती है आपको इसमें। अब हम बात करते हैं कार के रियर सीट्स पे जो आपको फंक्शंस मिलते हैं और फीचर्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको रियर सीट्स जो है रिक्लाइनर्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो मेरी रियर सीट है वो रिक्लाइन हो रही है। आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से इस कार को रियर सीट को सेट कर सकते हैं। प्लस में आपको इसमें फंक्शन मिलता है फॉन्ट पैकेज का। फॉन्ट पैकेज की बात करें तो देख सकते हैं आप अगर रियर सीट पर बैठे हैं आप फ्रंट सीट को यहीं से ही मूव कर सकते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ। जिससे कि आपको काफ़ी स्पेस मिलती है, काफ़ी लेगरूम मिल जाता है। ये स्पेस आपको लाइक एस क्लास में मिलती है जो कि अब आपको ई क्लास विद लॉन्ग व्हील बेस में मिल रही है। इंटीरियर में आने के बाद सबसे पहले बात करते हैं कार के स्टेयरिंग के बारे में। आइए हम आपको दिखाते हैं कार की स्टेयरिंग की कंडीशन। बिल्कुल जेन्युइन लेदर है, कहीं से भी आपको इसमें कोई क्रैकिंग नहीं मिलेगा लेदर में, कहीं से स्टेयरिंग की स्टिचिंग में आपको कोई लैकिंग नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो स्टेयरिंग पे आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिलता है वो काफ़ी लुक इनहांस करता है। प्लस में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, कहीं पर भी आपको इसमें स्क्रैच नहीं मिलेगा, कहीं से आपको कोई स्पॉट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टेयरिंग के ऑडियो कंट्रोल्स के बारे में। देख सकते हैं आपको जो भी मार्किंग है किसी भी बटन की वो कहीं से वेयर नहीं है, कहीं से घिसी हुई नहीं है, हर बटन की कंडीशन एज अ न्यू है। आप इस साइड से भी देख सकते हैं जो वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं बिल्कुल ये भी नीट एंड क्लीन है, कहीं से भी कोई मार्किंग जो है कहीं से घिसी हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं कार के ओडोमीटर के बारे में। आप देख सकते हैं इसमें आपको ओडोमीटर में 53,910 किलोमीटर की रनिंग शो हो रही है। इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, आप जैसे देख सकते हैं सर्विस में, असिस्टेंस में, ट्रिप मीटर, नेविगेशन, ये चीज़ें आपको इसमें साथ में मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कार के आर्मरेस्ट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होता है एज अ ड्राइविंग मोड पे। आप देख सकते हैं इसमें आपको काफ़ी स्टोरेज मिल जाती है, प्लस में USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको इसमें। कहीं से भी इस आर्मरेस्ट की आपको देख सकते हैं लेदर में कहीं भी वेयर एंड टेयर नहीं, कोई स्टिचिंग में खराबी नहीं है, कहीं से लेदर क्रैकिंग में नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर इसके टच पैड के बारे में। आप देख सकते हैं इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कार के टच पैड, जिससे आप बैक कर सकते हैं कार के म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस में आपको इसमें काफ़ी आपका ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाता है, ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इससे आप बैक कर सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स को। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं कप होल्डर्स विद चार्जिंग सॉकेट। आप देख सकते हैं इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, प्लस लाइटर भी है इसमें। टू ग्लास होल्डर्स मिलेंगे आपको साथ में इसमें। पियानो फिनिशिंग में बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से ज़्यादा स्क्रैच नहीं है, कहीं से ब्रेकिंग नहीं है ये पार्ट, कहीं से कोई स्पॉट नहीं मिलेगा आपको इसमें, कहीं क्रैकिंग नहीं है इसमें। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर जाके देख सकते हैं इसमें आपको नेविगेशन भी मिलता है, प्लस में इसमें आपको मर्सिडीज वॉच मिलती है। और ऊपर जाते हैं तो इसमें देख सकते हैं आप जो AC कंट्रोल्स हैं, जो बटन्स हैं, इसमें आपको कहीं से भी कोई सिल्वर फिनिशिंग में कोई लैक नहीं है, कोई बटन घिसा हुआ नहीं है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो देख सकते हैं आप इसमें आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं जो सेंटर में आपको मिलते हैं, प्लस में साइड में 2 AC वेंट्स मिलते हैं आपको। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हम देख सकते हैं इसके जो म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन है इसमें आपको नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, कनेक्ट, व्हीकल सेटिंग्स, ये आपको सब ऑप्शन मिलते हैं। व्हीकल में अगर हम जाते हैं आप देख सकते हैं इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो कि 64 कलर्स की आपको मिलती है। मैं आपको एक बार कलर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग के जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, 64 एम्बिएंट लाइटिंग कहते हैं इसे। प्लस में इसमें आपको नेविगेशन मिलेगा जो कि एक पूरी स्क्रीन पे आपको नेविगेशन मिलता है, काफ़ी अच्छे लुक एनहांस करता है।
अब हम बात करते हैं कार के डैशबोर्ड के बारे में। आप देख सकते हैं जो वुडन फिनिशिंग है काफ़ी न्यू लुक में है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कहीं से कोई वुडन का पीस आपको ख़राब नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इसके लेदर फिनिशिंग के बारे में, बिल्कुल एज अ न्यू कार कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसमें आपको जो सॉफ्ट लेदर्स आता है डैशबोर्ड पे फिनिशिंग के साथ, इस पे भी आपको कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है, कहीं से लेदर पील ऑफ नहीं है। आप देख सकते हैं इस कार के डैशबोर्ड की कंडीशन। अब हम बात करते हैं कार के रूफ में बारे में। रूफ में आपको इसमें पैनारोमिक सनरूफ मिलता है, आप देख सकते हैं इसमें, मैंने अभी कर्टन हटा दिया है। इसमें आपको फ्रंट में काफ़ी लार्ज स्पेस में आपको पैनारोमिक रूफ मिलती है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़ी सनरूफ है। जैसा कि मैंने आपको इस कार की एक्सटीरियर इंटीरियर लुक्स दिखाई दी हैं, आपको कार कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपको कार के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.autobest.co.in, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8885888 6 पे। अब हम बात करते हैं इस कार के आस्किंग प्राइस के बारे में, जो कि है 40,75,000 रुपीज़। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस।